अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जोधपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, उत्तर महापौर कुंती देवड़ा परिहार ने बताया कि पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उस पर वे विफल रही है। केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए। इस कार्यक्रम में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के पूर्व चेयरमैन रमेश बोराना, पूर्व महापौर अब्दुल मजीद गौरी, ब्लॉक अध्यक्ष लियाकत अली रंगरेज, यूथ अध्यक्ष रियाज मोहम्मद, पार्षद शेर मोहम्मद, इरफान बेली, दानिश फौजदार, नदीम इकबाल, अब्दुल जावेद, जाफरान सैयद, अरशद चौहान, पूर्व अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष सलीम खान, इश्तियाक अली राजू, रुबीना खान, फिरोज फैम, वसीम अख्तर, यूसुफ सैयद, नदीम लाला एवं कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बस में आज सब जगहों पर कांग्रेस पार्टी पेट्रोल और डीजल के जो दामों में भारत सरकार की जो मोदी गैंग है उसने जो जिस तरह से भाव बढ़ाए हैं, एक साल में 22 रुपये बढ़ा दिए और इस पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से तो पूरी महंगाई बढ़ती है देश के अंदर। आम आदमी की हालत ख़राब हो चुकी है, इधर कोरोना की मार, इधर पेट्रोल डीजल से सभी जो है खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थ जो महंगे हो गए हैं उसे आम आदमी की हालत बिगड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी जब चारा नहीं बढ़ा देती थी तो ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज पेट्रोल की क्या हालत है, 100 रुपये के लिए 104 रुपये हो गया है, डीजल 98 रुपये हो गया है, गैस की टंकी कांग्रेस के राज में 300 रुपये में मिलती थी आज 900 रुपये हो गए हैं। ये किस तरह की सरकार है जिसने जनता से ये वादा करके आई थी कि हमको मौका दीजिए हम महंगाई कम करेंगे, ये महंगाई आसमान पर चली गई है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद करवाया है और ये फर्ज समझती है जनता की जो भार है जनता पर वो कम पड़े, उसकी जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज पेट्रोल पंपों के ऊपर हम सब लोगों ने ये आंदोलन किए हैं। इसके माध्यम से हम मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो समय रहते अपनी तेल की कीमतों को कम करे, महंगाई कम करे, अन्यथा आने वाले समय में राज को भूल जाए, यही हम कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस देश में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ पेट्रोल पे सभी जगह अपने आंदोलन और धरने दिए हैं। इस मौके पर हमारा यही आह्वान है कि देश में महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल के भाव घटेंगे, दूसरी बार महंगाई कम होगी। मैं इस और मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो अपने हर तबर पर आ जाए, नहीं तो जनता को बख्शेगी नहीं। आने वाला चुनाव इनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। पेट्रोल पंप है यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना दिया गया है और केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल गैस जीएसटी पर भी एक महामारी के काल में लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, उनको ये घोषणा बाहर है। हम इसी धरने के जरिए हम केंद्र सरकार को ये आवाज करना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, अन्यथा जनता है उनको आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। और इस सरकार ने वादा किया था महंगाई को कम सरकार के खिलाफ जो महंगाई बढ़ी है उस महंगाई में हमारा साथ है। धन्यवाद।